तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग हैं लेह सिटी में, और अभी आप जो सामने देख रहे हो ये है लेह का मेन मार्केट। तो कल हम शाम को लेह सिटी में आए थे, और अभी आपको मैं आगे की प्लानिंग बताता हूँ। तो सबसे पहले, आज का ज़्यादा कुछ आइटनरी फिक्स नहीं है, हम बस यहाँ लोकली घूमने वाले हैं। अभी तो वैसे ही बस वॉकिंग टूर करेंगे लेह सिटी का, ये लेह मार्केट का। उसके तो अभी बस लेह सिटी में घूम रहे। ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पास में एक लेह पैलेस है, वो एक्सप्लोर करते हैं। और उसके बाद दोपहर में हमको देखना है बाइक्स। हमने जहाँ स्टे किया था वहाँ का जो ओनर है, हाँ, होम स्टे का ओनर है काका जी, उन्होंने मेरी बाइक की अरेंजमेंट कर दी है, तो वो बाइक एक बार टेस्ट करनी है। और शाम को फिर जाएंगे शांति स्तूपा। तो अभी हम लोग आए हैं लेह पैलेस देखने, और लेह पैलेस का रास्ता जो है वो थोड़ा चढ़ाई का है, इसलिए मेरी सांस फूल रही है, लेकिन आपको एक बार एक दिखा दूँ नज़ारा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये है लेह सिटी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेह पैलेस के अंदर और देखते हैं क्या है। यह फोटो कितना लाउनी का, सिक्स फ्लोर पे आ गए। आई थिंक हम लोग फाइनल लेवल पे आ गए हैं, जहाँ से कुछ ऐसे दिखता है। और ये है अदर साइड ऑफ लेह सिटी। पता नहीं आप सामने देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वह शांति स्तूपा जहाँ हम शाम को जाएंगे हमारी बाइक लेने के बाद। तो ये बाइक का वीडियो मैंने आपको दिखाने के लिए नहीं, लेकिन मेरे पर्पस के लिए बनाया था। तो क्या होता है जब आप बाइक हायर करने जाते हो, तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप बाइक को पहले ऑब्जर्व करो, बाइक में कहाँ डैमेज है, कहाँ डेंट्स है, कहाँ का कलर निकला हुआ है, कहाँ गाड़ी ऑलरेडी डैमेज हुई है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप पूरा ट्रिप करके आ जाओ और बाइक ओनर बोल दे कि गाड़ी आपके हाथ से डैमेज हुआ है, तो बाद में डिसिप्लिन पड़ना ही नहीं है। तो पहले सबके सामने एक वीडियो बना के रखो अपने सेफ्टी के लिए, तो बाद में आपके पास प्रूफ रह जाएगा कि जी हाँ कि भाई ये देखो जब बाइक लिया था तो पहले ऐसा ही था। और एक बार थैंक्स टू मिस्टर काका जी जिन्होंने हमको ये बाइक अरेंज करके दी है। तो हम लोगों ने लिए है दो रॉयल एनफील्ड की बुलेट 500 और एक क्लासिक 350। और अभी आपको मैं कल की प्लानिंग बताता हूँ। तो कल का हमारा प्लान ऐसा है कि कल हम निकलने वाले हैं नुब्रा वैली के लिए, और कल फाइनली हम लोग क्रॉस करने वाले हैं खारदुंगला। जी हाँ, खारदुंगला जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास। तो कल हम फाइनली निकलने वाले खारदुंगला के लिए,
जी हाँ, तो जिसके लिए यहाँ आए हैं, तो कल हम बाइक लेके निकलेंगे नुब्रा वैली के लिए। हुंदर में हम प्लान कर रहे स्टे करने के लिए। और अभी हम लोग निकले हैं शांति स्तूपा के लिए बाइक पे, तो चलो शांति स्तूपा पे ही मिलते हैं। जो भी साइड सिंह है वो चढ़ाई पे ही है, चढ़ने के लिए सांस फूल जाती। तो ये है शांति स्तूपा, तो चलो अभी ऊपर जाके देखते हैं। क्या है शांति स्तूपा में? पहले इसका चक्कर लगाते हैं। और यह है शांति स्तूपा के आसपास के नजारे। ये है लेह सिटी और ये है माउंटेन्स। Don't see mountains.